वेलकम बैक टू द चैनल, फिर से आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी शाम के ठीक 4:30 हो रहे हैं और मैं अभी अपने शहर मोतीपुर की तरफ निकल रहा हूं, जो कुछ वहां पे ख़रीदारी कर में चीनी मिल भी है, जो बरसों पहले 90 के दशक में चीनी मिल बंद हो गई, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आज मैं आपको अपने मोतीपुर शहर का मैं एक ब्लॉग दिखला रहा हूं, जहां पे मैं जा रहा हूं और वहां क्या क्या है। आइए, आप हमारे इस ब्लॉग में बने रहें तो मैं दिखलाता हूं कि कैसा मेरा शहर है। तो फिर आपको अगर अच्छा लगेगा तो हमारा चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे, और जितने भी नए लोग होंगे हमारे इस नए ब्लॉग में तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मोतीपुर की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या क्या है और मोतीपुर का कैसा बाज़ार है। तो चलिए मोतीपुर की तरफ अब चल रहे हैं हम, यही इधर। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मोतीपुर, जो ये अपने पहचान के लिए मशहूर है। यहाँ मोतीपुर शुगर फैक्ट्री भी है। यह मोतीपुर चौक से जो मुख्य, जो यहाँ पर आपको जो सामने जो दिखाई दे रहा है, यही सामने मोतीपुर का चीनी मिल का मुख्य द्वार है। जो वहाँ पे सामने देख रहे हैं कितनी गंदगी और से भरा हुआ और 3-व्हीलर खड़ी है। आए दिन यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियाँ लगी हुई रहती है और आवागमन में भी बहुत सारी परेशानियाँ होती है। एक समय था कि यहाँ के किसानों का यह मोतीपुर शुगर फैक्ट्री एक वरदान था, जो घर घर खुशियाँ सभी किसानों के पास, हम लोग के पास भी आती थी। हम लोग मुख्य खेती होता था, लेकिन आज अभी सख्त है मोतीपुर कि ये चीनी मिल बंद है और यहाँ के सारे किसान का खुशियाँ छीन चुका है और हम सब बहुत मुसीबत से अपने जीविकोपार्जन, किसान होते हुए भी बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं मोतीपुर शुगर फैक्ट्री का मेन गेट का क्या दुर्दशा है और यहाँ का प्रशासन और व्यवस्थाएँ बिल्कुल लचर है। तो दोनों तरफ मोतीपुर में आए दिन जाम की समस्याएं, जो रेलवे क्रॉसिंग पे होता है, और दोनों तरफ से दुकान जो सड़क पे लगी हुई रहती है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में बहुत काफ़ी परेशानियां होती है। तो इसके लेकर के भी किसी शासन प्रशासन का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दो घंटे एक घंटे दिन में जाम लगे हुए रहते हैं। तो एक बार में दो ट्रेन जब जाती है आती है तो पता चलता है कि दो घंटे लोग इसमें जाम लग जाते हैं। कितने मरीज हैं, कितने की परेशानियां हैं, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज आइए आप, हम अपने मोतीपुर के विषय में और आगे बतलाएंगे। तो देखिए, हमारे मेन मोतीपुर मार्केट का बाज़ार यही है। We'll be right back.
दोस्तों, मैं फाइनली अपने घर आ गया हूँ मार्केट से, और अभी मैं अपने दरवाजे पे आ चुका हूँ और अंधेरा होने वाला है, तो मैं फाइनली अपने दरवाजे आ चुका हूँ। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने घर और दरवाजे पे भी आ गए हैं, तो हमारा बाइक लगा हुआ है। मैं यहीं से अपना ब्लॉग शूट करता हूँ और यहाँ पर हमारा म्यूजिक सिस्टम है और ट्राइपॉड है। तो ये मेरा पहले कारखाना हुआ करता था जिसमें मैं कॉपियाँ बनाया करता था, कॉपी की यूनिट थी, पर बंद हो गई लॉकडाउन के बहुत पहले। 2008-09-10 में स्टार्ट किया था और तो 3 साल चलने के बाद में बंद हो गई, क्योंकि यहाँ उस तरह का माहौल नहीं था और लोग एग्रेसिव नहीं थे और परेशान करने वाले बहुत सारे लोग आए हमारे लाइफ में, इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। तो बहुत सारे काम को मैंने छोड़ा क्योंकि हमारे साथ कोई लोग एग्रेसिव नहीं है। यहाँ हमारे जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, बहुत सारे लोग क्लोज माइंडेड हैं और एक दूसरे को देखकर आगे सक्सेस होने से लोग जलते हैं, तो ये भी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा मैटर हुआ। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।